लिंग या स्त्री की योनि सुन होना, इसके क्या कारण हो सकते हैं? नीचे का पोर्शन सुन हो गया तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है कि भाई उनका पेनिस जो है, लिंग जो है, वो सुन हो गया, नम हो गया, नमनेस है। कभी कभी उसमें जैसे चींटियाँ जैसी आ रही है, या उसको कुछ हाथ लगाया तो फील नहीं हो रहा है, टच किया तो भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मतलब सेंसिटिविटी चली गई है, सेंसिटिव नहीं है। तो ये लिंग का भी होता है और योनि का भी होता है। तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं सेक्स लाइफ में, क्योंकि ऐसा हो गया, नमनेस हो गया, सुन हो गया, तो फिर उसमें मजा कैसे आएंगी। एक्चुअली हम सुन तो करवा लेते हैं, जिसको जल्दी गिर जाता है उसको तो हम बोलते हैं कि सुन होना चाहिए, इसलिए हम दवा देते हैं सुन करने के लिए। अब ये लोगों को तो बिना दवाई के सुन हो गया तो उनको मजा ही नहीं आता है। तो इसके क्या कारण है, तो देखते हैं कि नंबर एक, उम्र। उम्र के हिसाब से क्या होता है कि नर्व्स जो है, कोशिकाएं जो है, वो डैमेज हो जाती है। तो वो नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, वो डैमेज हो गई तो फिर नेचुरली वो जो है वो सुन हो जाता है नीचे का पोर्शन। तो उसके लिए जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी है क्या देखना है, विटामिन के जरिए डैमेज हो गई क्या, B1 B6 B12 के जरिए वो नर्व्स डैमेज हो सकती है, तो वो कमी है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो पहला है एज, एज के हिसाब से वो नर्व डैमेज हो सकती है। नंबर दो, हार्मोन्स कम हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कम हो सकता है, ईस्ट्रोजन कम हो सकता है, और उसके वजह से ये नमनेस आ सकता है और सुन हो सकता है नीचे का पोर्शन। नंबर तीन, नीचे बहुत स्ट्रेस देने वाली या जोर देने वाली एक्टिविटी या कृति, जैसे बहुत लंबी बैठक, अनयूजुअल पॉस्चर में बैठ रहे हैं जहाँ बैठने के लिए बराबर जगह नहीं है और आप लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो वहाँ वो सुन हो जाता है, या साइकिलिंग, बहुत लंबे समय तक साइकिलिंग किया तो, या टाइट इनर वेयर पहने तो, टाइट क्लोज पहने तो ऐसा हो जाता है, सुन हो जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि वो कुछ समय के लिए होता है, बाद में अच्छा हो जाता है। तो पहला हमने देखा एज, उम्र, नंबर दो हार्मोन्स, नंबर तीन ये जो कृति है बैठना साइकिलिंग करना इससे होता है, नंबर चार कोई बीमारी होगी अंदर और बीमारी की वजह से होता है, जैसा डायबिटीज है, मोस्ट कॉमन कॉज, बहुत ही कॉमन है डायबिटीज, है शुगर की बीमारी से नर्व डैमेज हो जाती है शुगर से, और उससे फिर सुनपन आ जाता है, फिर एंजॉय नहीं कर पाते। या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें जो ब्रेन का अवशेष है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें इंजरी हो जाती है, और उसके वजह से, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या कोई भी ऐसी नर्व्स की बीमारी है, इन्फ्लेमेशन है नर्व्स का, तो उससे ये हो सकता है। तो ये जड़ की बीमारी को देखना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। पांचवा जो है कि नीचे के जो स्नायु है, मसल्स, वो सब टाइट हो जाना और उसका फंक्शन ठीक नहीं होना। तो उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइज हम करते हैं, नीचे के एक्सरसाइज करने के लिए हम बोलते हैं। सो स्नायु टाइट हो गए तो सुनपना आ जाता है। नंबर छः जो है, कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो सुनपना आता है लिंग में या योनि में, और उसमें सिलीजिलिन है जो पार्किंसन के लिए दवा लेते हैं, पार्किंसन डिजीज, या एंटी डिप्रेसेंट्स निराशा के लिए दवा लेते हैं, उससे भी हो सकता है। नंबर सात, हस्तमैथुन कुछ अलग तरह से किया तो, इनअप्रोप्रिएट या अननेचुरल हस्तमैथुन किया तो, और इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत जोर शोर से, बहुत दबा दबा के, बहुत प्रेशर दे के हस्तमैथुन कर रहे हैं। अब इतना प्रेशर दे रहे हस्तमैथुन करने के समय कि बाद में वो लिंग सुन हो जाता है। या फिर सेक्स टॉयज है, उसमें बहुत दबा दबा के हस्तमैथुन आप कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो हस्तमैथुन भी बहुत जोर दे के नहीं करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, और एक्साइटमेंट ज़्यादा चाहिए तो लूप्स का वापर करना चाहिए हस्तमैथुन में। तो इडियोसिंक्रेटिक वे से हस्तमैथुन करते, मतलब अलग तरह से, कुछ नॉर्मल तरह से नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। आठवां जो है कि ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा का मतलब आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट है, कहीं गिर गए आप तो नीचे मार लग गया है नीचे के बाजू में, तो उसमें वो ट्रॉमा जो है एक्सीडेंट की वजह से, उससे भी ये सुनपना आ सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक है उम्र के हिसाब से, नंबर दो है हार्मोन्स, नंबर तीन है एक्टिविटीज लाइक लंबा सीटिंग या साइकिलिंग या टाइट क्लोज, नंबर चार अंडरलाइंग बीमारी जैसे डायबिटीज इंजरी जैसी, नंबर पाँच स्नायु का टाइटनेस हो जाना नीचे वाली, नंबर छः दवाइयाँ का इस्तेमाल करना, नंबर सात अलग अननेचुरल वे से अनैसर्गिक मास्टरबेशन करना, नंबर आठ एक्सीडेंट होना या ट्रॉमा हो जाना। अभी ये जो है ये यदि नॉर्मल हो गया ऑटोमेटिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा मास्टरबेशन से क्या हुआ या लंबी सीटिंग से हुआ हुआ जो है नमनेस वो ठीक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो नहीं हो रहा है उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई अंडरलाइंग कॉज क्या है, हार्मोनल है
टेस्टोस्टेरोन की कमी है, एस्ट्रोजन की कमी है, थायराइड हार्मोन की कमी है, या फिर विटामिन्स की कमी है, B1, B6, B12 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो ये सब मल्टीविटामिन देना है। और जो भी तकलीफ है अंडरलाइन उसको ठीक करना पड़ेगा, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स समझो कर रहे हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट बदलने पड़ेंगे, सिलीजिलिन की वजह से हो रहा है तो वो दवाई बदलनी पड़ेगी, तो नीचे का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कीगल्स एक्सरसाइज आप करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बेटर ये है कि सुनपना यदि ज़्यादा समय तक रहा योनि में या लिंग में तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उसका इलाज कर लेना है, क्योंकि नहीं तो अपना वैवाहिक जीवन जो है वो दुखी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।